नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। लल्लनटॉप की टीम इस समय चुनाव कवरेज के लिए जमशेदपुर में है, जहां पर हम खड़े हैं। ये बारडी इलाका है, सीएम रघुवर दास का इलाका। इससे थोड़ी दूरी पर ही उनका सरकारी आवास है। जब वो रांची से यहाँ पर आते हैं तो अक्सर वहीं ठहरते हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। यहाँ तीन प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, झामुमो और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो गौरव वल्लभ हैं, सीएम रघुवर दास खुद यहाँ छठवीं बार चुनाव मैदान में हैं और उनके ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं सरयू राय, वो उनको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ लोग हैं, बातचीत करेंगे कि 25 सालों में रघुवर दास ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, एक सीएम के तौर पर राज्य के लिए क्या किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह। सर, क्या करते हैं? मैं स्किल डेवलपमेंट में सेंटर इंचार्ज हूँ। तो इस बार के मुद्दे क्या हैं यहाँ के? इस बार के मुद्दे सर यही है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। 25 साल के विधायक हैं, आज तक जो हम लोग बिहार में मुखिया नाला और ये बनाता है, रोड बनाता है, ये छोड़ के कुछ अगर एक को काम किए, एक मेडिकल दुकान क्लिनिक भी इस एरिया में खुलवा दिया हो तो बहुत बड़ी काम है। कोई काम ही नहीं किए, केवल टाटा की दलाली किए हैं और गरीबों का घर उजाड़ने का काम किए। कौन से गरीबों का घर, कौन सा उजाड़ा? पति नगर जितने हैं ना सर, ये हम लोग का, ये देखिए, ये अगल बगल सब तोड़ के, जितना इधर देखेगा सारा जितना है तोड़ के इसको फेंकने का काम किया। तो ये क्यों तोड़ा जा रहा है? ये बस उनको जो पैसा टाटा कंपनी के वर्कर विधायक बने, टाटा कंपनी का चीफ मिनिस्टर बने, टाटा कंपनी का वो पूंजीपतियों के संरक्षक हैं, पूंजीपति का काम करते हैं। देखिए, अभी शिक्षा के विषय में बात कर लीजिए, सारा सरकारी स्कूल बंद करके, देखिए जो शुरू से हम लोग बच्चे थे तब से हम लोग लोअर प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल सारा है सबको बंद करके, इंग्लिश स्कूल देखिए शहर में, चाहे टाटा कंपनी के स्कूल जितना पढ़ा हुआ सब टाटा कंपनी स्कूल के स्टूडेंट हैं, मगर सारा स्कूल को बंद करके वो अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से कहीं महिला के नाम पर, कहीं कुछ के नाम पर पूंजीपति को दे दिए, अपने परिवार या अपने पूंजीपति जो जैसे टाटा कंपनी के AIWC देख रहे हैं ऑल इंडिया वुमेन्स, उसके जो चेयरमैन कौन है, उसके कौन क्या, ये काम ही नहीं है, केवल काम किया है पूंजीपति ने। 5 साल पहले ऐसा नहीं था कि टाटा को चीज़ें दी जाती थी इस तरीके से? ये देते आए हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते थे कि मकान जो है आपको मालिक बना देंगे, आपको यहाँ स्वर्ग बना देंगे, ये मूर्ख बना के पब्लिक को इतने दिन तक राज किए। अब पब्लिक का बच्चा पढ़ते पढ़ते पढ़ गया है तो अब वो नहीं चाह रहे इनको। सर, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं, कैसा चल रहा है बिजनेस इस समय? बिजनेस का तो जो हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और रहा बात है सारा जो अर्थव्यवस्था है पूरे भारतवर्ष में, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या फिर किसी तरह औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र में चले जाइए, सारा जगह पिछले 18 महीना से लगातार जो है प्रोडक्शन गिर रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मंदी का दौर है, लोग बता रहे हैं मंदी का दौर सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य में पूरा और केंद्र में इनकी सरकार है और इनका अर्थव्यवस्था इनसे संभाली नहीं जा रही है। नोटबंदी बिना सोचा समझा हुआ फैसला था, जिसके कहते थे कि हम हार्वर्ड और हार्डवर्क वाले लोग हैं, तो हार्डवर्क और हार्वर्ड में देख लीजिए, हार्वर्ड वाला आदमी बोला था कि भैया 2 साल के बाद नोटबंदी का असर पड़ेगा, और साफ दिख रहा है नोटबंदी का असर, किस तरह से लोग प्रभावित है, आज सबका रोजी रोजगार छीना जा रहा है, दुकानदारी सबका चौपट है, बिजनेस खत्म है, कंपनियाँ बंद हो रही हैं, लोग में हाहाकार मचा हुआ है, लूटपाच उसके चलते बढ़ा हुआ है, घरों में छिनताई हो रहा है, रोड में डकैती हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, आए दिन आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि यहाँ पर चोरी छिनताई हो रही है। इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? रघुवर दास 25 सालों से यहाँ के विधायक हैं। देखिए, इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। विधायक जी पिछले 25 वर्षों से लोगों को शिक्षा के नाम पर देने का सिर्फ मूर्ख बनाया है, ठीक है ना? जैसे कि भाई बता रहे थे कि शिक्षा के नाम पर अभी यहाँ पर ये लोग ढूंढारुआ पीट रहे हैं कि हम महिला विद्यालय बना रहे हैं, महाविद्यालय जस्ट बगल में यहाँ से 200 मीटर की दूरी में, जब आपको जानकारी होना चाहिए, लोग यहाँ पर है, हो सकता है बहुतों को नहीं जानकारी होगा, ये जो ग्रेजुएट कॉलेज है साक्षी में पुराना, इसी कॉलेज को यहाँ पर शिफ्ट करके इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और रहा बात उस ग्रेजुएट कॉलेज में, आज तक ना ढंग से प्रोफेसर बहाल है, ना वहाँ पर लैब टेक्नीशियन है, ना वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था है, तो किस बात का विकास कर रहे हैं?
और दूसरा मुद्दा है कि इन्होंने जब मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के पहला विधानसभा में बैठक हुआ था तो ये साफ बोले थे कि हम साल भर में पूरे झारखंड वर्ष में पीने का शुद्ध जल मुहैया कराएंगे, ये प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। जब उनके गृह जिला क्षेत्र में उनका महत्वाकांक्षी परियोजना था मोहरदा जलापूर्ति योजना, तो आज मुख्यमंत्री जी बोले थे कि उस समय जुस्को को देने का बात था, नहीं नहीं हम सरकार बनाएंगे हम जुस्को को नहीं देंगे, आज वही जुस्को को गोद में बैठ गए हैं। तो लोग बिरसा नगर वासी पूछे कि वो पानी पिला करके मुख्यमंत्री को बोले कि भाई कम से कम आप पी के दिखाइए कि ये पानी शुद्ध है, तो आपका महत्वाकांक्षी जब योजना आपके जिले में फेल है तो आप कैसी किस तरह का विकास पुरुष का बात कर रहे हैं? सर आप बीजेपी से हैं, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, इनकी नज़रों में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि रघुवर दास ने कोई काम किया है। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के आरोपों पे? देखिए उनका काम तो आरोप लगाना ही है। अभी जो आप बोल रहे थे 25 साल से, 25 साल पहले अगर आप आए रहते तो यहाँ तो या तो जंगल था, यहाँ में एक दिया पे सभी लोग रहते थे, आज का व्यवस्था देख लीजिए। जंगल गलत बात मत बोलिए, जंगल नहीं था, बिजली भी था 25 साल पहले, तो यहाँ नहीं था। 1995 में हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़वाए रघुवर जी को, उस समय यहाँ बिजली था 95। राजनीतिक मालिकाना हक को लेकर के बोले, इनको समझते समझते 25 साल लग गया, अभी जब चुनाव का समय आया तो नहीं नहीं CNT का चल तहत नहीं मिला है। और देखिए हमारे दिल्ली में आज इन्हीं का सरकार है, केंद्र में इन्हीं का सरकार, इन्हीं का राज्यसभा में पास हुआ है 1731 कॉलोनी को नियमित करने का, अभी 2 दिन पहले अखबार में छपा है। तो जब वो सब कॉलोनियां हो सकती हैं कर्नाटक में हो सकती हैं, तो हमारा झारखंड में जमशेदपुर में क्यों नहीं हो सकता है? इतने सारे आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में CNT नहीं ना है, यहाँ झारखंड में CNT का चलते हम लोग बस्ती का भी मालिकाना हक देने में दिक्कत आ रही है। 25 साल पहले समझ में आना चाहिए, नेता पद पर बड़े होता है, नेता का और काम होता है रास्ता दिखाना। जब नेता रास्ता से भटक जाता है ना, तो फिर उसको जनता को भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होना पड़ता है अपना निर्णय के लिए। रघुवर दास मतलब 25 साल से वादा कर रहे थे और अचानक से मुकर गए हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं आज भी मुकरे नहीं है, आज प्रयाल हुआ बने झारखंड को 14 साल तक हर 3 साल 2 साल में एक मुख्यमंत्री चेंज और उनका कैबिनेट का 2 मंत्री जेल, ये हाल था झारखंड का, ना स्थिर सरकार था। आपको भी मौका मिला था, आपने भी मधु कोड़ा का महिला 14 महीना सरकार चला था वहां पर हेमंत सोरेन जी का, और आपने और ये जो है सबसे बड़ा गरीब विरोधी आदमी है, झारखंड का स्कूल बंद कर दिया गरीब लोग का। पूरा झारखंड का स्कूल बंद करा दिया है, गरीब बच्चा कहाँ हो रहा है, गरीब बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बोला मालिकाना देंगे मालिकाना देंगे, अभी सबको भाड़ादार बना दिया। आपका बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, सबको लीज में दे दिया। झारखंड के स्कूल बंद है, पढ़ने कहाँ जा रहा है? मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो क्या ग्रोथ हुआ? गरीब नहीं पढ़ रहा आपका, मैं ग्रोथ बंद कर दिया। अरे आपका मैं ग्रोथ एक एक करके बोलेंगे तो सबके बात, गरीब को मारने का तैयारी। एक झारखंड का सभी स्कूल बंद हो गया है, तो इसका मतलब झारखंड में पढ़ाई लिखाई बंद हो गया? नहीं तो सरकारी स्कूलों की बात करें ना, तो सर गरीब कहाँ पड़ेगा? ग्रोथ हुआ, उसको अपडेट किया गया है, अभी भी तो इस राज्य में गरीबी है ना, गरीब के लोग कहाँ पढ़े? क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक हुआ, जैसा क्या करते हैं अंकल बोल रहे हैं, स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया, अपेयरिंग कर रहे हैं, LLB का भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मुख्यमंत्री जी पर सवाल उठ रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूँ, जो मालिकाना वाला जो मुद्दा बोल रहे थे भाई साहब लोगों ने, यह मुद्दा ना ये रघुवर दास जी का कम है, विपक्ष का ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है ना? 25 साल से वादा तो करते हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, गठबंधन के हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे, अगर उनको इतना ही जरूरी था, उनके भी कार्यकर्ता यहाँ पर रहते हैं, उनके भी पदाधिकारी सब रहते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं दिए मालिकाना? आप जीते हो ना 25 साल से, आप जीत रहे हो ना, और शिक्षा पर बोल रहे हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड का मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा ने टाटा लीज से सारा मालिकाना के लिए जमीन वापस करा दिया, और ये शख्स आते साथ सबको दे दिया टाटा लीज में, सारा यही शख्स है जो मालिकाना चिल्लाता था। मुद्दा 86 बस्ती नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरजिंदर सिंह रिंकू है। करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट में एक नहीं, 86 बस्ती मुद्दा क्यों नहीं? क्योंकि सारे लोग तो यही वादा कर रहे हैं। बस्ती का ही मुद्दा नहीं, मेरे बात सुनिए एक मिनट, 86 बस्ती का मुद्दा जरूर है, ठीक है? हाई कोर्ट करिएगा, टाटा स्टील का लाइन है, टाटा स्टील का, ठीक है भैया आप बोले ना, भैया बोलने दीजिए, सिंहभूम जो है पूर्वी सिंहभूम का बात कीजिए, ठीक है? 86 बस्ती मुद्दे बहुत हैं, ठीक है?
लेकिन मुख्यमंत्री ने 95 से रघुवर दास जी ने जो कार्य किए हैं वो किसी को बताया जो उसने शुरू से तीन ऐसे काम बताइए उनके आपको पसंद आए। मैं उनका बता देता हूँ कि जो ये कन्या योजना जो है, क्या है ये, ये मुख्यमंत्री द्वारा 30,000 रुपया जो है सरकार के तरफ से 30,000 रुपया कन्या को दिया जाता है, जो हमारा दलित समुदाय है, पिछड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा संख्या है यहाँ, उनको जो है रिलीफ है, बिंदास है, जिस भी गरीब की शादी होती है लड़की की उनको पता 30,000 में शादी हो जाती है आज, नहीं 30,000 रुपया उनको मदद मिल जाती है, उसके अलावा तो सारी चीज़ें 30,000 सरकार दे रही है ना। देखिए गरीबों की बात हो रही है, आज आयुष्मान कार्ड का माध्यम से कई इलाज हो रहे हैं, एकदम देखे हैं, कोई ऐसी पेपर में पढ़ के नहीं बता रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार, हाँ इसमें क्या है, चलिए मानते हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं मिला इसको। और बताते हैं सर के एजुकेशन पर बोल देते हैं कि कुछ सरकारी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, जब हम लोग स्कूली सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे संयुक्त सेवा मध्य विद्यालय में, तब हम लोग को घर से बोरा लेकर जाना पड़ता था स्कूल में, और दरी बिछा कर पढ़ाई होता था, और कई ऐसे स्कूल थे सरकारी विद्यालय जो पीपल गाछ के नीचे और नीम गाछ के नीचे पढ़ाई होता था। जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं तो दरी को हटाकर बेंच डेस्क देने का काम किया बच्चे लोग को, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, स्कूल कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं हो। एक बात बताना चाहता हूँ सर कि एक बड़ा सा भवन है जहाँ पर 10 टीचर लगते हैं, उस स्कूल पर मात्र 3-4 बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसको अगर संयोजित करके एक अच्छा विद्यालय में ज्यादा टीचर अच्छा तरीका से वहाँ पढ़ाई हो जाए तो क्या गलत है? उसको बंद आज आखिर डेवलप नहीं हुआ तो 25 साल से मेरे विधायक क्यों है? ये कह रहे कि मतलब लोग इसलिए जिताते हैं कि उन्होंने कहा जनता अगर उनको पसंद नहीं करती तो 25 साल रहने का नहीं था। अंकल जी बहुत गंभीर होके सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? बीपी शाही। अच्छा सर कितने साल के हैं आप? हम जमशेदपुर में 60 बरस हो गया। 60 बरस हो गया यहाँ पे, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे टाइम में ये सब जंगल था और श्मशान था, जो यहाँ पर बस्ती बसा और बस्ती को प्रोग्रेस हुआ। अब तीन चीज हमारे दिमाग में है रघुवर दास के प्रति, एक दिमाग में है कि हम लोग छठ पर्व में पैसा खर्चा करके ट्रक करके जाते थे वहाँ पर, बिहारी लोग के लिए दो दो को यहाँ पर ये बना दिया रघुवर दास आयुष्मान घाट, आपको आपको ये बनाया सूर्य मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, अभी अभी शिव मंदिर भी बनाया। रघुवर दास को फिर मौका देंगे आप? हम तो देंगे, हम उनसे खुश हैं। हाँ एक चीज और है, एक एक सरकारी स्कूल का बात किए ना सर, ये देखिए मीटर में सरकारी स्कूल है, एक चीज से और हम खुश हैं कि इसके पहले बिहार था, बिहार से जब बंटवारा हुआ तो हम लोग को दीकू के नाम से प्रचलित हम लोग थे, आज रघुवर दास 5 साल से हैं, दीकू शब्द खत्म हो गया, इसलिए हम खुश हैं। क्या क्या मतलब है इस शब्द का? क्या मतलब इस शब्द का? बाहरी, बाहरी, अच्छा का मतलब बाहरी, तो बिहार था तो हम लोग बिहार में थे, बंटवारा हुआ तो हम लोग बाहरी हो गए, हम लोग जीकू का नाम से हम लोग को संबोधित किया जाता था। ये लड़ाई तो अभी भी है ना कि झारखंडी कौन है और बाहरी कौन है। हाँ तो नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो खत्म है, वो खत्म हो गया। पहले बार बने, पहले बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, और जितना अच्छा से आदिवासी के हित में काम रघुवर दास जी ने किया इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। स्कूल का बात करें ना, हिंदुस्तान मित्र मंडल बगल में ही है, 200 मीटर की दूरी में जाके देखिए, नर्सरी लोग एसी में बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, और बहुत वहाँ हम लोग भी जो समाज के लोग हैं हम लोग वहीं पर एडमिशन करवाते हैं। आदमी जाते हैं स्कूल में, पूरा बस्ती का यहाँ का जितना लड़की लोग हैं लड़का लोग सब जाती है, हम लोग देखते हैं इसके लिए प्रोग्रेस हुआ है, और भी स्कूल है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हसमुख लाल पटेल। क्या करते हैं सर? हम टिस्को एम्प्लॉई। इसमें है टिस्को में एम्प्लॉई। लड़का नहीं पढ़ता है रघुवर दास, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं आप? काम तो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरी पार्टी अभी। चाचा आप कुछ कह रहे थे? हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं। तो आपने तो बहुत लंबी नोटबंदी जो हुआ इसमें हम लोगों का पैसा जो जमा था उसमें 6% ब्याज कर दिया मोदी साहब। अच्छा अब सुनिए भैया, तू सुन लो, और अभी जो सरकार था 25 साल मलकाना हक मलकाना हक, हम लोग अंधा आदमी दे दिया। अच्छा अब जो है ठगे गए हैं क्या? ठगे गए, अब इनका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, हमारा बेटा वो दाल भात में पढ़ता है, हो जा पकौड़ी स्कूल में। पकौड़ी स्कूल क्या करेंगे? अरे कहाँ से छोटे अब स्कूल बन गया है। आज आज देखिए पेपर में कांग्रेस आपका झाबी वो और एक और पार्टी आज जेडी
ये सब बोल रहा है कि हम जीतेंगे तो मलिकाना देंगे। आज के पेपर देखिए तो मलिकाना तो मलिकाना का तो ये लोग का ये बन गया है, तो 25 साल में ही नहीं दिए तो ई जीत करके दिला देंगे हम लोग को। बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, एजुकेशन पर बोल दे रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। माइक छोड़ो। क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब। क्या रघुवर दास को लेके क्या है आपके दिल में? रघुवर दास के लिए ठीक है। ठीक है, मतलब छठवीं बार उनको मौका देंगे? 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? दूसरों को ही मिलना चाहिए। ये तो भाई लड़ाई है, टक्कर का लड़ाई है। सरजू राय का और उनका टक्कर का लड़ाई है। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि गौरव वल्लभ कहीं नहीं है। गौरव वल्लभ कहीं नहीं है, अभय सिंह कहीं नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो बेकारे लड़ रहा है लोगों। ठीक है, सरजू राय भी तो 5 साल तक मंत्री रहे, उनसे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। सरजू राय अपने एरिया में, हम लोग तो वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन जानकारी लिया है कि सरजू राय अपने एरिया में काम किया हो, इसलिए उनको टिकट नहीं काटने का कारण वो यहाँ पर ही वो मतलब निर्दलीय से खड़ा हुआ। सरजूरा पहले बीजेपी में था और वो अभी निर्दलीय या पूर्वी से लड़ रहा है। लेकिन गौरव वल्लभ तो कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल है, जानबूझ के सरजू राय को उतारा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। और सरजू राय को टिकट वहाँ से नहीं मिलने के कारण वो अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। और उनको कोई बीजेपी से सिकवा नहीं है, उनको बीजेपी का बारे कोई ये नहीं है, और बीजेपी का कहीं खिलाफ नहीं बोल रहा गलत। उनको टिकट नहीं दिया, वो अपना निर्दलीय खड़ा हो रहा है। अंकल जी क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर प्रसाद साह। अच्छा, क्या करते हैं सर? ऐसे हम रिटायर आदमी हैं। अच्छा, किस क्या है इस बार का माहौल, क्या है किसके लिए है इस बार का माहौल? देखिए, इस बार का माहौल जो भी नेता, चाहे वो सरजू राय हो या गौरव कुमार हो या झारखंड विकास मोर्चा का अभय सिंह हो, कोई भी हो, जो बोलता है ना कि जमीन का 86 बस्ती का मलकाना हक देगा, वो माई का लाल, वो यदि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकेगा। जो आदमी 25 साल से राजनीति की, ऐसा बात नहीं है कि इन्होंने प्रयास नहीं किया। श्री रघुवर दास ने मलकाना हक देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये CNT एक्ट के अनुसार ये मलकाना हक उसका फंस जा, कोई भी नेता नहीं दे सकेगा आज तक। 25 साल से वादा क्यों करते रहे? 25 साल से वादा किए थे, लेकिन आज 5 साल पहले ही एक डिक्लेयर कर दिया कि हम उसको बंदोबस्त करके, जमीन को बंदोबस्त करके लीज पर देंगे, क्योंकि ये CNT एक्ट के अनुसार ये मलकाना हक नहीं दे सकते। ये दिल्ली और मध्य प्रदेश नहीं है, जो कि वहाँ पर CNT रहता तो वहाँ भी नहीं दे सकता था। CNT एक्ट जो है ये छोटा नागपुर का एक स्पेशल नियम है, जो कि उसके चलते कुछ नहीं कर पाएगा। ये 2/3 बहुमत चाहिए, रघुवर दास को 2/3 बहुमत नहीं आया, जिसलिए पास नहीं हुआ, ये नहीं टूटने सका, मलकाना में वो फेल हुए। और हमारा कहने का मतलब यह है, आज से 25 साल पहले जो हम लोग ठेना भर पानी में रहते थे, आज रोड बन गया, हम घर से बाहर होते हैं, रोड बना हुआ है, उसका नाली बना हुआ है, इतना सुंदर बिजली का सुविधा है। अच्छा, पानी का जहाँ तक मामला है, पानी पर जहाँ तक पानी का मामला है, सबको ये भरम था कि टाटा कंपनी का क्वार्टर का पानी बढ़िया होता है, अपना घर का पानी वो बोरिंग किया है तो वो उसको पसंद नहीं है। तो देखा मुख्यमंत्री साहब ने कि नहीं, ये टाटा कंपनी को सप्लाई का जिम्मा दे दिया। सरकार बनाया पानी पीने के लिए, ठीक है, लेकिन सप्लाई का काम देने का काम जिसको को दिया? आज पानी जो भी देगा, जिसको जब आदमी को होता है कि नहीं, जिसको का ही पानी बढ़िया है तो पिएगा ही ना। तो आज सब सुविधा हम लोगों को है, रोड का सुविधा, बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा, मतलब सब कुछ कर दिया है, तो फिर क्यों, मतलब किसी और को मौका दीजिए अगर सब? कभी नहीं मौका देंगे हम, कभी नहीं मौका देंगे दूसरे को। जो अपना क्षेत्र में काम करके बढ़िया से आया था तो वो अपना क्षेत्र से ही खड़ा होता निर्दलीय, तब ना पता चलता। कोई नया मुद्दा नहीं है, नया मुद्दा जो खिलौना दिखा रहा है निर्दलीय और दूसरा पार्टी, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। पश्चिम सिंहभूम में भी तो ऐसा कई बस्ती है जो लीज के लिए है, वो क्या सरयू राय दिलवा दिए क्या? और देखिए राशन कार्ड को लेके जो है, राशन कार्ड को भी लेके, ठीक है, वो कई लोगों को राशन कार्ड नहीं बना, वो तो मंत्री रह चुके हैं। आपने सही कहा था कि मंत्री रहते भी उनसे पूछना चाहिए था ये सब बात। तो आप रघुवर दास का बारे ही सब चर्चा हो रहा है, उनका बात पर चर्चा होना चाहिए कि वो क्या वर्तमान में जो मेरा नाम है संतोष कुमार पांडे, ठीक है ना, वर्तमान में 5 वर्ष से जो इनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो अभी तक झारखंड में नहीं हुआ था। DBC का ये पावर
हम भी डीबीसी में रहते थे, है ना, 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी, 22 घंटे बिजली मिल रही है। उसके अलावा जमीन के नीचे मैंने अंडरग्राउंड केबल किया जा रहा है, उसके अलावा इन्होंने एक अच्छा प्रशासन दिया, ठीक है ना। कितनी घटनाएं पहले जमशेदपुर में होती थी, आप लोग देखते होंगे, वो सारी चीज़ें इन्होंने बंद करवा दिया। हम घर से निकलते हैं, हम सड़क पे आते हैं, सड़क इन्होंने हर जगह गली नाला जो भी हो अच्छी पक्की सड़क बना दी। तो इनका जो कार्यकाल में काम हुआ है, अब आपके सामने देखिए एजुकेशन का हब बनाने जा रहे हैं, महिलाएं लड़कियां एक बन गया है, दूसरा बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो इनके कार्यकाल में, परम आदरणीय मुख्यमंत्री रघुबर दास जी के कार्यकाल में जितने विकास के कार्य हुए हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है। और ये उनका फिर से उनको मौका देंगे, जी हाँ उनको हम लोग फिर से मौका देंगे, और राज्य की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। और इस तरह से तो कई लोग हैं जो कि नहीं, ठीक है सर, ठीक है ना, थैंक यू, बस ठीक है, हाँ पहुँच जाएगी ना, हाँ। वर्तमान में जो इन्होंने किया है वो कहीं भी आप चले जाइए गली मोहल्ले में, सुनिए सड़क पे आपका पैर पक्का पे ही पड़ेगा, ठीक ठीक है। चलिए, तो इस समय आप देख रहे थे लल्लन टॉप को, चुनावी कवरेज के लिए हम जमशेदपुर में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे थे। सरयू राय के समर्थक थे, रघुवर दास के समर्थक हैं, कई लोगों का मानना है कि रघुवर दास ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कई सारे ऐसी मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाए हैं रघुवर दास। कैमरे के पीछे अमितेश और मैं हूँ डेविड, मिलते हैं अगले पड़ाव पर, थैंक यू।